घोषित है और अलग अलग चरण में हो रहा है। भिवंडी में भिवंडी लोकसभा का चुनाव भी पूरी तरह से गर्म है, मगर ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ लोकसभा के उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं वो नरम हैं। पार्टियां जो दूसरी हैं, अलायंस है या उन्होंने समर्थन किया है, कहीं ना कहीं वो लोग भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल 18 तारीख की रात में कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं सुरेश काशीनाथ टावरे, जो पहले पूर्व सांसद रहे और उससे पहले भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रथम महापौर भी रहे, मगर 18 तारीख की रात में जो होर्डिंग उन्होंने भिवंडी शहर के पुराने आगरा रोड पर लगवाई थी उसका परमिशन नहीं था, इसलिए आज 20 तारीख को सवेरे भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के अधिकारी बालाराम पाटिल ने सारी होर्डिंग उतार लिया। सूत्र बताते हैं कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त ने आदेश जारी किया था कि प्रभाग समिति के लोग ही जो प्रभाग अधिकारी होंगे वो इस तरह के चुनाव की जो होर्डिंग है लगाने का परमिशन या परवाना देंगे, मगर वहीं अंदर से जो खबर आ रही है महानगर पालिका का एक ईश्वर है जिसका पूरा नाम ईश्वर आड़ेप है, उन्होंने ये परमिशन अपनी मर्जी से दे दिया था। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में आयुक्त बड़े हैं या जो महानगर पालिका के ईश्वर हैं ईश्वर आड़ेप ये बड़े हैं। बहरहाल लोकसभा के उम्मीदवार सुरेश काशीनाथ टावरे की होर्डिंग तो उतार ली गई, हालांकि शहर में एक अलग ही चर्चा इनके ताल्लुक से चल रही है कि एकदम धीमी गति से ये चल रहे हैं। कल थोड़ी सी तेजी गैबी नगर से लेकर दीवानछा तक देखने को मिली थी और आज महानगर पालिका ने इनकी होर्डिंग उतार कर एक बार फिर साबित कर दिया कि जो कायदा है जो कानून है आचार संहिता का उल्लंघन कोई भी करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। BSS के लिए मैं खान फकरे आलम, मेरे सहयोगी सलमान मेमन के साथ।